नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे इस YouTube चैनल एस्ट्रो सीपी त्रिपाठी में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज हम जानकारी प्राप्त कर रहे हैं घर की सुख समृद्धि के लिए बेडरूम के वे कौन से वास्तु दोष हैं। उन्हीं में से हम 20 वास्तु टिप्स लेकर के आपके लिए आए हैं घर की सुख समृद्धि के लिए। ध्यान रखें बेडरूम के ये 20 वास्तु टिप्स। तो ये 20 वास्तु टिप्स अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपके घर में खुशहाली आएगी। अगर आप घर की सुख समृद्धि और रिश्तों में सामंजस्य बनाए रखना चाहते हैं तो बेडरूम के लिए वास्तु के कुछ नियमों का पालन जरूर करें। आजकल बढ़ते नवीनतम रुझानों और डिजाइनों के साथ लोग अपने घरों को अपनी पसंद के अनुसार सजाने का आनंद लेना चाहते हैं। काम में व्यस्त दिन के बाद बेडरूम घर की उन जगहों में से एक है जहां हर कोई आराम करना चाहता है, आरामदायक नींद लेना चाहता है और अपने लिए कुछ खास समय निकालना चाहता है। तो वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और वीडियो में अंत तक बने रहें और पूरे वीडियो को जरूर देखें। मित्रों, वास्तुशास्त्र के सिद्धांतों के अनुसार बेडरूम का निर्माण करने से जीवन में सुख समृद्धि और सकारात्मकता आती है। इतना ही नहीं, वास्तुशास्त्र भी सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है, परिवार के सदस्यों के बीच बंधन को मजबूत करता है और आपके जीवन को सुरक्षित करता है। तो कौन से हैं वो वास्तु टिप्स, आइए जानते हैं। तो वास्तु के अनुसार बेडरूम घर के दक्षिण या पश्चिम दिशा में होना चाहिए। बेडरूम का प्रवेश द्वार दीवार के उत्तर पश्चिम या पूर्व दिशा में होना चाहिए। सिंगल दरवाजों वाला बेडरूम बेहतर है। यह सुझाव दिया जाएगा आपको कि प्रवेश द्वार के ठीक सामने कभी भी बिस्तर नहीं रखना चाहिए। दक्षिण या पूर्व दिशा में सिर करके सोना चाहिए। यह सोने की दिशा वास्तु के अनुसार आपको रात की अच्छी नींद का आनंद लेने में मदद करेगी और एक लंबा और सुखी जीवन भी प्राप्त कराएगी। सुनिश्चित करें कि आपका बिस्तर उत्तर की ओर नहीं है। वास्तु के अनुसार बेडरूम में दर्पण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह सुझाव दिया जाता है कि दर्पण को जमीन से 4 से 5 फीट ऊपर रखा जाना चाहिए और दर्पण अगर रखते भी हैं तो घर के दीवार के उत्तर दिशा में दर्पण को रखें। कोई भी दर्पण, दो दर्पण एक दूसरे के विपरीत नहीं लगाएं। मतलब एक उत्तर दीवार पे तो एक दक्षिण दीवार पे बिल्कुल भी आमने सामने न लगाएं, क्योंकि वे खराब पाइप्स को आकर्षित कर सकते हैं। शीशा लगाने के लिए आदर्श स्थान उत्तर, पूर्व और पश्चिम दिशा है। दक्षिण पूर्व दिशा मतलब दक्षिण दिशा में न रखें कभी भी दर्पण को। दक्षिण पश्चिम दिशा में रखे गए दर्पणों को शुभ नहीं माना जाता है। अगर है तो उसे ढक करके रखें। आपके बेडरूम में जिस प्रकार की पेंटिंग या मूर्तियां हैं वह आपके मूड को प्रभावित कर सकती है। कमरे में शानदार खूबसूरत पेंटिंग या दीवार पर टांगना फायदेमंद माना जाता है। सुनिश्चित करें कि कमरा किसी भी पेंटिंग या मूर्तियों से मुक्त है जो हिंसा या संघर्ष को दर्शाता है। ऐसे मूर्ति कभी भी ना रखें जो हिंसा या संघर्ष को दर्शाता है। बेडरूम में क्रिस्टल सारस क्रेन की एक जोड़ी रखें। ये पक्षी जीवन भर वैवाहिक निष्ठा का प्रतीक है और पति पत्नी के रिश्तों को मजबूत करने में सहायता कर सकते हैं। बेडरूम में रंग एक अहम भूमिका निभाते हैं। बेडरूम में अच्छा वाइब सुनिश्चित करने के लिए सबसे उपयुक्त रंग हल्के गुलाबी, ग्रे, नीले, भूरे रंग और अन्य हल्के रंग सकारात्मक। बच्चों के बेडरूम के लिए पश्चिम दिशा को आदर्श माना जाता है। नवजात शिशुओं को दक्षिण या पूर्व की ओर सिर करके सोना चाहिए। हल्का नीला, हरा, पीला और बैंगनी बच्चों के कमरे के लिए बढ़िया विकल्प है। चमकीले रंग बच्चों को सक्रिय रहने के लिए प्रोत्साहित और प्रेरित करते हैं। ये रंग एकाग्रता और फोकस को बढ़ाते हैं।
अपने बच्चे के बेडरूम के सामने शीशा लगाने से बचें। सुनिश्चित करें कि आप इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को कम ही इस्तेमाल में रखें, क्योंकि वे तनाव का कारण बन सकते हैं। आप बेडरूम के लिए इन सरल वास्तु युक्तियों का पालन करके घर में सुख समृद्धि ला सकते हैं। हमें यकीन है कि बेडरूम में छोटे छोटे बदलाव आपके जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप इसे शेयर ज़रूर करें। इसी तरह के अन्य वीडियो देखने के लिए जुड़े रहे आप हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।